टाइम्स की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर आलम। आज हम बात करेंगे गिरिराज सिंह के इश्तियारंगेज बयान की, राबड़ी देवी के पलटवार की, बताएंगे हम कब तक बाकी रहेगा अखिलेश यादव और मायावती का ये गठबंधन। इन सबके साथ आज इस बुलेटिन की शुरुआत एक सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। राखीन सूबे में रोहिंग्या मुसलमानों को जिला वतन करने और उनकी बस्तियों को तबाह करने के बाद म्यांमार फौज वहां छावनियां बना रही है। लंदन में कायम एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राखीन में उन मकामात पर छावनियां बनाई जा रही हैं, हेलीपैड्स और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जहां पहले रोहिंग्या रहते थे, जिन्हें जला दिया गया था और बुलडोजर के जरिए से दुनिया से मिटा दिया गया था। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये रिपोर्ट आईनी शाहिदीन के बयानात और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए से बयान किए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्राइसिस रिस्पांस डायरेक्टर तराना हसन का कहना है कि हम रियासत राखीन में जो देख रहे हैं वो फौज की तरफ से ड्रामाई सतह पर जमीन को हथियाने का मामला है। जर्मनी के अखबार DW से उनका मजीद कहना था कि उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहां पर छावनियां बनाई जा रही हैं जिन्होंने रोहिंग्या को निशाना बनाते हुए इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया था। म्यांमार के सूबा राखीन से अब तक 14 लाख रोहिंग्या हिजरत कर चुके हैं, जिनमें से 10 लाख लोग बांग्लादेश में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं और 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बाद बीजेपी लीडरान के उल्टे सीधे बयान आने शुरू हो गए हैं। इस तरह का एक इश्तियाल अंगेज बयान बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह ने अररिया RJD के जीत के हवाले से दिया है। अररिया लोकसभा में हुए उपचुनाव में RJD के टिकट पर जीतने वाले मोहम्मद सरफराज आलम के बारे में गिरिराज सिंह ने आज कहा कि अररिया दहशतगर्द का अड्डा बन जाएगा और वहां से RJD की जीत सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरा है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि अररिया सिर्फ एक सरहदी इलाका नहीं है, सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश से मिला हुआ नहीं है, बल्कि इस खित्ते ने इंतहा पसंद नजरियात के हामिल लोगों को जन्म दिया है। ये बिहार के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरा है, वो दहशतगर्दों का अड्डा बन जाएगा। RJD की जीत सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरा है। गिरिराज सिंह के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने कहा है कि जिमनी इंतखाबात के नतायज से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए उसके लीडर इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। पूरे मुल्क के दहशतगर्द बीजेपी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, अवाम के मुंह तोड़ जवाब से ये लोग बहकी बहकी बातें करने शुरू कर दिए हैं। यूपी बिहार के अवाम ने बीजेपी को रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी लीडरों को अपनी जबान का इस्लाह करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर हारने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनों के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारों में वजीर आला पर हमला करते हुए कहा कि जो लीडर अपनी सीट पर जीत नहीं दिला सकता उसे बड़ा ओहदा देना जमहूरियत में खुदकशी करने जैसा है। अवाम में जो मकबूल है वो किसी ओहदे पर नहीं है। मेरा मानना है कि इन सब चीजों को दुरुस्त करने का वक्त आ चुका है। काफी अरसे से अपनी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये मौका नहीं गंवाया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि सर, यूपी बिहार के जिमनी इंतखाबात के नतायज ने आपको और हमारे लोगों को एहसास करा दिया है कि सीट बेल्ट अब बांधनी होगी, आगे मुश्किल वक्त है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हम इस बहरान से निमट सकेंगे। जितनी जल्दी हम इस मसाइल को हल कर सकेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। ये नतीजे सियासी मुस्तकबिल के बारे में हमें बताते हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक और बीजेपी रहनुमा रमाकांत यादव ने भी अपनी ही पार्टी को निशाना बनाया। रमाकांत यादव ने कहा कि पसमानदा तबका और दलित तबकों को पसे पुष्ट डालने का नतीजा सामने आ चुका है।
मैं आज ही अपनी जमात से, अपनी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप दलित और पसमानदगान तबका को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो 2019 में इत्मीनान बख्श रिजल्ट सामने नहीं आ सकते। सिन्हा ने जिमनी इंतखाबात में जीत के लिए अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद और नौजवान लीडर तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला मेरे दोस्त योगी जी जो अपने हलके में ही हार गए हैं, इसके लिए मुझे दुख है। उन्होंने ठीक कहा है, हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से बड़ी हार हुई है। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में कहा कि मैं मुसलसल कहता रहता हूं कि गुस्सा, हद से ज्यादा खुद एतमादी, गुरूर जमहूरी सियासत में सबसे बड़े दुश्मन है। ये बात ट्रंप, अपोजिशन पार्टियों समेत सब पर साजिश आती है। जय हिंद। पाकिस्तान के राय विंड में तबलीगी इज्तिमा के करीब पुलिस के चेक पोस्ट पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 4 पुलिस वालों के साथ 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और उनमें से कुछ की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों गोरखपुर और फूलपुर में मायावती के इत्तेहाद से जीत हासिल करने में कामयाब समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे ये इत्तेहाद किराना उपचुनाव और 2019 के लोकसभा इलेक्शन तक बरकरार रहेगा। तलाक बिल के खिलाफ मुल्क भर में खवातीन के एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी झारखंड के कोडरमा, महाराष्ट्र के जलगांव समेत मुतअद्दिद शहरों में खवातीन ने जुलूस निकाल हुकूमत से ये मुतालबा किया कि तलाक बिल को वापस ले। ये बिल औरतों के हकूक के खिलाफ है, इस्लामी शरीयत में मुदाखलत पर मबनी है, मुस्लिम फैमिली से तबाह बर्बाद हो जाएगी। मुल्क भर में खवातीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और अब तक 120 शहरों में इस तरह के एहतजाज हो चुके हैं। तलाक के मामले में अमूमन ये कहा जाता है कि मर्द अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे देता है, लेकिन यूपी के रायबरेली में एक वाकया इसके बरक्स पेश आया है जहां एक औरत ने फोन पर अपने शौहर से तलाक देने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक मामला रायबरेली शहर के कोतवाली इलाके के गौरा बाजार मोहल्ले का है। यहाँ रहने वाली एक लड़की की सुल्तानपुर के रहने वाले एक नौजवान से 5 महीना पहले शादी हुई थी। बीमारी का बहाना करके खातून अपने घर वापस आ गई और उसके बाद ससुराल नहीं गई। नौजवान ने कहा कि कई मर्तबा अपनी बीवी को समझाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीवी अपने शौहर से फोन पर तलाक देने का दबाव बनाने लगी। ये बातें नौजवान ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली और खातून पुलिस स्टेशन इंचार्ज पुष्पा को सुनाई, जिसके बाद उन्होंने इस केस में तहकीकात शुरू कर दी। आज के लिए इतना ही।